नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आचार्य पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक अलग टॉपिक, अलग विषय, जो कि है हमारे सपने। आप सभी सपने देखते होंगे, कुछ खुली आंखों से देखते हैं तो कुछ बंद आंखों से, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी जो हमें रात में सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। कभी हमारे सपने बहुत अच्छे होते हैं तो कभी हमारे सपने कुछ बुरे होते हैं। सपनों का एक अपना अलग ही इतिहास होता है। कोई सपने हमें इतना खुश कर जाते हैं तो कोई सपने से हम अचानक से हमारी आँख खुल जाती है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो हम दिन भर की दिनचर्या के बाद थक हार के जब हम सो जाते हैं तो कई बार तो हमें उसी पूरे दिनचर्या में से कुछ सपने आ जाते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ अजीबोगरीब डरावने सपने दिखते हैं जिनसे डर कर हमारी आँख भी खुल जाती हैं। तो जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपको इन बुरे सपनों से छुटकारा मिल सके? क्योंकि बुरे सपना देखना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही हमें रात में जगना, सपनों से डर कर जगना अच्छा लगता है। हमें अगर अच्छा सपना दिखे, हम कहीं बहुत अच्छी जगह पर हैं, तो हम सब खुश हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आप अच्छे ही सपने देखिए। मेरी भी यही कामना है कि आप अच्छे सपने देखते रहें। लेकिन अगर आपको आते हैं बुरे सपने तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? और आपका वो सपना लगातार चल रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपको मंगलवार के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आपको ऐसा हर मंगलवार करना है, निरंतर करते रहना है। ऐसा नहीं कि सपने देखने छूट जाएं, क्योंकि हनुमान जी आपको वैसे भी बल देंगे और आपको अपने बुरे सपनों से भी छुटकारा देंगे। अगर फिर आपको लगातार रेगुलर ऐसे सपने आते जा रहे हैं तो फिर आपको एक काम और करना है। एक कपड़े में फिटकरी बांधकर, काले या नीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें फिटकरी बांधकर अपने सिरहाने की तरफ बेड साइड पर आप रख दीजिए, जिससे कि आपके जो वो बुरे सपने हैं वो आने बंद हो जाएंगे। जब आप फिटकरी का एक टुकड़ा अपने सिरहाने पर रखेंगे काले कपड़े में बांधकर, तो ऐसा करने से अचानक जो आपकी नींद खुल जाती है सपनों से डर कर, वो नहीं खुलेगी और आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। और अगर बच्चे को ऐसे सपने आते हैं तो बच्चों के सिरहाने पर भी एक फिटकरी आपको रखनी है, जिससे कि बच्चा नींद से डर कर ऐसे उठेगा नहीं। क्योंकि हमें कई बार डर लगता है कि बच्चे को नज़र लग गई या कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा इसके ऊपर आ गई, तो ऐसा कई बार सपनों से भी होता है। तो एक फिटकरी का टुकड़ा लाइए और मंगलवार के दिन उसके सिरहाने पर रख दीजिए, आपका बच्चा सपने से उठकर डरेगा नहीं। अब सपनों की बात करते करते हम आ गए हैं नींद में। अगर आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है तो कपूर का नाम आपने सुना होगा। आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही, आप बिस्तर पर हैं और आप टेंशन में हैं, परेशान स्थिति में हैं, तो आपको करना है एक काम, आपको कपूर लेना है। कपूर की टिक्की लेकर आप दो लें या तीन लें, कितनी भी आप कपूर की टिक्की लें और उसको जला कर सोएं। कपूर के सुगंध से वातावरण, जो घर का माहौल है, बहुत ही सुगंधित हो जाता है, जिससे आपको बहुत ही प्यारी नींद आएगी और साथ ही साथ आपको सपने भी बुरे नहीं आएंगे। कपूर से आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, घर का माहौल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो आप नेगेटिविटी लेकर सोए हैं तो सपने, इसी वजह से कई बार हमें बुरे आते हैं, वो भी आने बंद हो जाएंगे। कई बार सपने हमें गलत दिशा में सर रखकर सोने से भी आते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा में या फिर दरवाजे की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो भी आपको बुरे सपने आ सकते हैं या ज़रूर आते होंगे। आप ये बात नोट करिएगा, आपको सोना है पूर्व दिशा में सर रखकर, जिससे कि आपको अच्छे सपने आएंगे। क्योंकि पूर्व से जब सूर्य उगता है तो सीधा किरणें आपके सर की तरफ आती हैं, चाहे आपके कमरे में धूप आए या ना आए, लेकिन दिशा अपना इफेक्ट ज़रूर दिखाती है। तो आप पूर्व की तरफ सर करके सोएंगे तो आपको सपने
बहुत ही अच्छे आएंगे, प्यारे आएंगे, उन्नति के आएंगे। तो कुछ बातें सपनों से जुड़ी जानकारियों की, क्योंकि अगर हमें सपने अच्छे नहीं आते तो हमें एक पूरा दिन हमारा ना बहुत ख़राब सा जाता है। कई बार हमें बुरा सपना आता है, हम किसी से शेयर कर लेते हैं, अपनी फ्रेंड से बोल दिया, अपने भाई से बहन से बोल दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बुरा सपना किसी को बता दें तो उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको अच्छा सपना आता है तो आप वो किसी से शेयर ना करें, अपने मन में सोच के खुश होते रहिए, तो इससे आपको बहुत जल्दी उस सपने का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थी सपनों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। और अगर आपको मेरी ये सारी जानकारी पसंद आ रही हो, आपको कुछ मुझसे सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।